हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. और ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम और क्या बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. So the common name for mitochondria is it is the powerhouse of the cell. क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस, वो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे. पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें हम, तो ये जो है दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. मतलब जैसे आपने न्यूक्लियस में देखा था कि न्यूक्लियस को दो मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को भी दो मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं. एक जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, राइट. और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से, उसमें आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं. राइट, तो ये क्या हो गई, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन. तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको इनर मेम्ब्रेन में मिलते हैं यहाँ पे, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज क्रिस्टी, राइट. सो द माइटोकॉन्ड्रिया लाइक न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन सराउंडेड ऑर्गेनल, जिसको सराउंड करने वाली दो मेम्ब्रेन्स हैं. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन में ऐसे अंदर हमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टी. और इसके अलावा यहाँ पर बीच में जेली लाइक प्रोटीनेशियस मटीरियल फिल होता है, और वो जेली लाइक प्रोटीनेशियस मटीरियल का नाम है इसका, दैट इज मैट्रिक्स, राइट. तो अगर हम फंक्शन देखें यहाँ पे, मैट्रिक्स का फंक्शन क्या है, मैट्रिक्स कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ होता है, दैट अकर्स इन दिस मैट्रिक्स एज इट कंटेन्स द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. And these respiratory enzymes, they help in ATP formation. So, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी की स्टोरेज होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल इन विच एटीपीज आर फॉर्म्ड एंड एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, राइट. एंड क्रिस्टी का फंक्शन यहाँ पे क्या है, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज क्रिस्टी, देयर फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन, क्लियर. तो ये जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, क्रिस्टी फॉर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन एटीपी का हो सकता है, क्लियर. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं इट इज द सेमी ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द सेल. So it is a semi-autonomous cell organelle. Why is it semi-autonomous cell organelle? Because it contains its own DNA and RNA.
अदर देन न्यूक्लियस, आपने देखा था न्यूक्लियस में भी उनका अपना डीएनए और आरएनए होता है, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया से कंटेन्स इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के फॉर्म में, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल और सेमी ऑटोनॉमस बॉडी. तो इन माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन इज द स्मूथ मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज क्रिस्टी. इन क्रिस्टी का काम क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस एरिया को बढ़ाता है सो दैट मोर एंड मोर एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड ओवर हेयर. ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स फिल होते हैं इन दिस मैट्रिक्स, और उस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है कि ये एटीपी जनरेशन में हेल्प करते हैं. तो एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्स द एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट. Another cell organelle after mitochondria, जो हम लोग यहाँ पर आज discuss करेंगे other than mitochondria, वो क्या है, these are the plastids. So next cell organelles are प्लास्टिड्स. लेकिन प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनल्स हैं जो कि कहाँ मिलते हैं हमें, विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. तो प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं होते, ये कलरिंग पिगमेंट होते हैं जो सेल्स को एक डेफिनेट कलर प्रोवाइड करते हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनल को एक अपना डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं, and these are known as plastids. ये plastids are basically of three types. The first very commonly known is chloroplast. So chloroplast में क्या है, they contain the green pigment that is chlorophyll. तो जो chloroplast है, chloroplast में इनमें एक green pigment होता है, और उस green pigment को क्या बोलते हैं, that green pigment is known as chlorophyll. और इस chlorophyll का function क्या है, आप सबको पता है, this chlorophyll helps in the process of photosynthesis. इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉयल से वाटर लेकर के वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, राइट. एंड इसीलिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल. राइट, तो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फूड फॉर्मेशन होता है, तो एक तरह से ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के किसमें कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स इट टू ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ाने में हेल्प करते हैं ये ग्रीन पिगमेंट, दीज ग्रीन पिगमेंट्स आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, राइट. अनदर कॉम्पोनेंट, अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट था, इट इज जनरली फाउंड इन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स में और वो जो न्यू स्टेम्स होते हैं दैट आर ग्रीन इन कलर, दैट ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो है,
ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड येलो ऑरेंज और रेड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. आपने देखा है ना कि कुछ जो प्लांट होते हैं उनके फ्लावर्स येलो या रेड या ऑरेंज कलर के होते हैं, या फिर उनके फ्रूट्स भी ऐसे कलर के होते हैं. जैसे आप कैरेट की बात कीजिए, जैसे आप पोमग्रेनेट की बात कीजिए, लाइक गाजर और अनार, तो इनके जो ये पर्टिकुलर कलर्स हमें मिलते हैं वो कलर स्किन की वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, राइट. तो ये क्रोमोप्लास्ट दो तरह के होते हैं, वन इज ज़ैंथोफिल which provides yellow color to the plant part, or there is another one is carotene which provides red or ऑरेंज कलर. सो आपने देखा है ना गाजर, गाजर जो कि रेड होती है कलर में, वो रेड क्यों होती है गाजर, क्योंकि दे कंटेन द पिगमेंट नोन एज कैरोटीन. सो दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड जो हमें सेल्स में मिलता है, प्लांट सेल्स में. एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड वो क्या है, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट ये कैसा है, इट इज कलरलेस प्लास्टिड. ये प्लांट को कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता. फिर आप सोचोगे अगर ये कलर प्रोवाइड नहीं करता तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज का काम करता है. इट स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स, राइट. तो आपने देखा प्लांट सेल्स में हमारे पास तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं. क्लोरोप्लास्ट जो कि कैसा होता है, विच इज ग्रीन इन कलर, और इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल. दूसरा प्लास्टिड जो है दैट इज क्रोमोप्लास्ट, जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करता है, मे बी ऑरेंज, मे बी ग्रीन, मे बी रेड और मे बी येलो. तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जनरली प्लांट के फ्लावर्स या फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथोफिल इज द पिगमेंट जो येलो कलर प्रोवाइड करता है, एंड अनदर वन इज कैरोटीन विच प्रोवाइड रेड और ऑरेंज कलर. And the third type of plastid is leucoplast. Leucoplast is the colorless plastid, जो जिसका काम क्या है, वो starch को store करता है, proteins को store करता है, fats को store करता है. ये कोई color नहीं provide करता, लेकिन ये इनको store करता है, right? और एक और important चीज, जो chloroplast है, chloroplast के case में भी it has its own DNA and RNA, like mitochondria, जो क्लोरोप्लास्ट है इसका भी अपना DNA और RNA होता है, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गए, they are also semi-autonomous cell organelles. Clear? So that is about the another cell organelle, and that cell organelle is known as that one is प्लास्टिड. लेकिन याद रहे आपको ये प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, राइट. एंड थर्ड टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच वी विल डिस्कस हियर आर वैक्यूल्स.
Vacuoles are also, आप कह सकते हैं ये क्या है, these are also membrane bound bag like structures. और इन मेम्ब्रेन बाउंड बैगलेक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज वैक्यूल्स. ये वैक्यूल्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी. लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे, जब ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है तो प्लांट सेल्स में ये कैसे होती है, दे आर स्मॉल इन साइज बट मोर इन नंबर्स. लाइक ये दो से तीन वैक्यूल भी एक सॉरी ये तो बात थी एनिमल सेल की. इन एनिमल सेल्स द वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर. एक एनिमल सेल में आपके पास दो से तीन या उससे ज्यादा भी कभी कभी वैक्यूल्स हो सकती हैं. लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में देयर इज ओनली वन वैक्यूल विच इज वेरी बिग इन साइज. तो प्लांट सेल की वैक्यूल कैसी होती है, एक ही होती है लेकिन साइज में बहुत बड़ी होती है. इतनी बड़ी होती है कि हम कह सकते हैं प्लांट सेल का अबाउट 90% पार्ट तक जो है वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करती हैं. और यही रीजन है आपने देखा था कि प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी के पास होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज इन द सेंट्रल. तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस पेरिफेरी के पास क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज लार्ज वैक्यूल्स. ये बड़ी सी वैक्यूल जब सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी तो ऑफकोर्स बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स जो है वो पेरिफेरी के आसपास मिलेंगे. ठीक है, इन वैक्यूल्स को जो सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है इस सराउंडिंग मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट. सो द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट. और अगर हम फंक्शन देखें वैक्यूल्स के, सबसे पहली बात, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सेल के अंदर जो भी फूड इनटेक होता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द वैक्यूल्स. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन और यू कैन से रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल. सेल में से वेस्ट मटीरियल को रिमूव करने में हेल्प करती है ये वैक्यूल्स. अनदर फंक्शन इज दे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल. सेल का अपना एक डेफिनेट शेप होता है, एक अपना डेफिनेट साइज होता है एंड दैट डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज ऑफ द सेल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल्स. राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट द अनदर सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड वैक्यूल. कुछ और सेल ऑर्गेनेल लाइक लाइजोम्स वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. गुड बाय, टिल देन हैव अ नाइस टाइम.